तो यार दोस्तों, अभी जो है मगरिब का टाइम हो रहा है और मैं जा रहा हूँ एक पार्सल उठाने जो कि हमने मंगाया था अपना। वो क्या पार्सल है वो तो खैर आप लोगों को कल ही देखिएगा। यार दोस्तों, हम बगीन स्टॉप पर आ गए हैं जहाँ पे हमारा पार्सल आएगा। तो पार्सल जो है दोस्तों मीरपुर खास से आ रहा है और अक्षर भाई के भी बात हुई है, वो बोलने के वो बस रास्ते में वेट कर रहे हैं। फिलहाल गाड़ियाँ आई हुई हैं, वो देखें, एक गाड़ी वो खड़ी हुई, एक फ्रंट पे खड़ी है, सामने एक ये खड़ी हुई, तो अच्छी खासी गाड़ियाँ आ रही हैं। वेट करते हैं अपने पार्सल का। दोस्तों गाड़ी आ गई है फाइनली, हम उधर स्टॉप पर खड़े हुए थे आगे की तरफ। अब ये गाड़ी वाले से भाई पार्सल लें फिर जल्दी से घर चलते हैं। चेक कर लूं किधर से जाऊंगा ना, क्या हुआ आपको है? सही है, सही है, शुक्रिया बहुत बहुत सर। तो चले यार, पार्सल हमें हमारा मिल गया, इसको लेके चलते हैं अब घर। चले यार दोस्तों, घर लेकर आ गए हम पार्सल अपना। तो इसको खोलो, काट दो, थोड़ी काट दो, कटिंग ही है, सीधी सीधी काट दो। तो यार ये जो भी लाए दोस्तों, ये मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगा क्या है। The next morning. चलो भाई दाना ले लिया, अब चले घर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार हमदा दाना लेने गया था भाई, और बड़ी ख्वारी हुई है कि मानो थोड़ा यार थकान हो गई। एक तो दाना लेने गए दोस्तों, और ऊपर से हमारे जो भाई साहब हैं भाई, उन्होंने घर का कुछ सामान भी उठा लिया, तो भाई मुझे काफ़ी आते आते लेट हो गया। मैं तकरीबन 4 बजे ना 4 बज गए मुझे, मैं 2 घंटे का निकला हूँ दोस्तों, और ये सामान लिया हुआ मुझे टाइम हो गया। खैर दोस्तों, कल हमारे पास पार्सल आया था और आप लोगों को मैंने पार्सल दिखाया नहीं था अभी तक कि क्या लेकर आए हम। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर निकाल के, एक मिनट हमदा अभी मत दिखाना, एक दम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों गैस करें आप लोग क्या होगा, अपनी तरफ ले जाओ ना, ऐसे क्या घुमा रहे हो। तो दोस्तों माशाल्लाह से ये देखें, हम जो हैं वो असील काला मुर्गा लेकर आए, और ये मंगाया है मीरपुर खास से। तो ग्रुप में आया हुआ था ये, तो भाई को मैं दिखाया और भाई को भी पसंद आया, तो हमजा को भी पसंद आया था और मुझे भी, तो हम तीनों का फैसला बना। पहले भाई ने देखा था वैसे, उन्होंने फिर दिखाया यार कैसा लग रहा है, मैंने बोला दिखाओ, तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है दोस्तों। और देखें एक एक पर इसका ना काला है, ये देखें कहीं से भी सफेद कुछ भी नहीं है माशाल्लाह से, बच्चा है, फुल ब्लैक है, और अभी बच्चा है वो दिख रहा है यार, बच्चा तो वैसे ही उसके वो दिख रहे हैं, काटे ही नहीं है उसके, वैसे ही बच्चा है। तो दोस्तों ये था वो पार्सल और सरप्राइज हमारा जो आप लोगों को मैंने दिखाना था, और माशाल्लाह से एक और आ गया। खैर इसको छोड़ के दिखा दूं मैं बाकी दोस्तों, इसको आते ही हमने अभी हमजा ने जब मैं गया हुआ था, ये क्या दवाई का पानी पिलाया, दवाई का पानी पिलाया था, क्योंकि कहीं दूर से चीज आती है ना कोई भी हो दोस्तों, तो उसको यार पहले दवा का पानी लाजमी पिला दें, लहसुन खिला दें, लहसुन हमने रात में इसको दे दिया था ताकि ये थोड़ा बहुत सेट रहे, लेकिन वैसे माशाल्लाह हमदा फिट है नहीं, वैसे माशाल्लाह दोस्तों सेट है, बड़े वो एहतियात करते हैं, जगह चेंज होती है ना दोस्तों। तो यह है मीरपुर खास से, तो फासला बढ़ता है और जगह चेंज होती है ना, आबो हवा चेंज होती है, उस वजह से ना जानवर मुश्किलात में थोड़ा बहुत आ जाता है। खैर दोस्तों इसको अभी जो है मैं छत पे ले आने की सोच रहा था, पर दोस्तों धूप बिल्कुल भी नहीं है, हल्की फुल्की भी नहीं है ना, तो अभी हम इसको 2 से 3 दिन दोस्तों इधर ही रखेंगे नीचे के सेटअप पे, ताकि ये जो हमारा मुर्गा है ना थोड़ा सेट रहे। तो मैं आज चेक कर रहा हूँ, ये मैं काटता नहीं है, नहीं ये काट रहा है वो, तुम बोल रहे हो नहीं काटता यार, अच्छी बात ये, डर नहीं रहा। तो 2 दिन बाद दोस्तों हम इसको सेटअप पे ले जाएंगे और बाकी मुर्गों से इसकी मुलाकात भी कराएंगे। यार माशाल्लाह दोस्तों कमेंट में लाजमी बताएगा कैसा लगा सरप्राइज, और काला मुर्गा हमारा कैसा है माशाल्लाह से। तो दोस्तों यार मैं सोच रहा हूँ ले जाऊँ छत पे, थोड़ी बहुत धूप है, नहीं है आसंद है बहुत ज्यादा, चेक कर लो थोड़ी सी छोड़ के, चेक कर लो तेज है हवा, अभी एहतियात ही करो थोड़ा, रुक जाओ। चले दोस्तों इसको मैं बंद करता हूँ, फिर हमजा और मैं छत पे ही जा रहे थे दाना पानी करना यार सारों को, और अभी आपके सामने मैं सारा दाना लाया हूँ यार, तो काफी देर हो गई है, चलते हैं छत पे, इसको मैं रख देता हूँ और आपको एक मरतबा और दिखा दूँ। ये रहा हमारा नया सरप्राइज आप लोगों के लिए, कैसा लगा, बाकी 2 से 3 दिन में भाई इसको छोड़ना है छत पे, ठीक है ना,
मैं यार ऐसा नहीं रुक सकता भाई, ज्यादा वेट नहीं होता। चलो यार इसे रख दो भाई, बड़ा भारी है यार ये। चलें दोस्तों छत पे चलें, बड़ा भारी है, इसने मेरे हाथ थमा दिया। इसको अभी तो यहाँ रखूँ यार। आ जाओ भाई, तुमने हल्की चीज खुद ले ली, भारी मुझे थमा दी इतनी यार कसम से। चलो यार ये खोलना। चलो यार दोस्तों खुल गया यार। एक तो सबसे पहले दोस्तों सेटअप पे आओ ना, ये जो है ना हमारे राजा मियां, ये पागल हो जाता है। ये देखें कहाँ गया, ये चीखता रहेगा बाउलों की, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, इतना शोर करेगा पूरे सेटअप पे ना, सबको चिटवाना शुरू कर देगा। खैर हमदा यार कहाँ एक दाना क्या करा, खाना तुम बनाओ इनका, मैं जब तक रैबिट्स को तो अभी नहीं खोलूँ, थोड़ी देर में खोलूँगा। ठीक है डाल दिया, बाउनट खोलता हूँ, पहले तुम इनमें से किसी को खोल के डाल दो, बाकी मैंने दाना तो डाल दिया था सुबह, अभी मैं इन सबको डाल देता हूँ, ये बजिश को और कबूतर वगैरह को। यार तुम इसलिए आए हो छत पे, खाना डालना अभी, रुक जाओ दो मिनट। यार दोस्तों पहले सबको खाना डाल दें हम एक एक करके। तो यार दोस्तों सबसे पहले तो इनको खोल दूँ मैं, काफ़ी देर से बेचारे बजाए जा रहे हैं गेट। आ जाओ भाई जैकी जैनी और चेक, जैनी ओ सॉरी जैकी जैनी और चेक, चलो जाओ 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 खाओ अपना ये रहा, छीन छीन के ले जाएंगे। अरे सारा इतना सारा वहाँ पड़ा हुआ है लेकिन नहीं छीन के दोस्तों, पूरे सेटअप पे घूम घूम के खराब करके खाएंगे खाना। कशन आपके रैबिट्स आ गए छोटे छोटे, काटते हैं या देख के रहना। हाँ वो काट ले, कुछ काट ले, डरता है थोड़ा बहुत। खैर यार ये दो डालो भाई हमदा, ये उल्टे हैं हमारे यहाँ सारे जानवर। तो आ जाओ भाई आप पहले। चलो तो यार दोस्तों अभी अभी नज़र पड़ी बजिस के कॉलोनी के अंदर, ये देखो एक और अंडा फेंका हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्या कर रहे हैं। निकालता हूँ इस अंडे को बाहर, अब चेक तो करूँ क्या सीन है क्या नहीं है। तो यार अभी हमने खाली पड़ा हुआ यार, खा भी गई छोटियों ने खाली भी कर दिया। तो यार पता नहीं क्या हमारे बजिस और ये बर्ड्स की जितनी अवेरी है ना, छोटी सी मिनी तो छोटी सी है दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर। सब कुछ कर लिया हमने, सब कुछ दे दिया, लुटीनो ने अंडा फेंक दिया अपना, होगो रोमो का एक अंडा फेंका हुआ मिला, इनके दो तीन अंडे फेंके हुए मिल गए, समझ से बाहर हो रहा अंडे क्यों फेंक रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा यार। खैर इनका तोतों का क्या है हल मेरे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ब्रीडिंग फार्मूला भी दे दिया सब दे दिया। अब जो मुझे लग रहा ना मेन वजह ये दोस्तों इनकी जगह, ये डर रहे हैं इन सब के साथ रहते हुए जितना मेरा अंदाज़ा है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। बाकी ये शुक्र है कि हमारे ऊपर से ना एक छोटी सी बंदिश टूटी, जिसे हम बंदिश बोल रहे हैं, वो बंदिश ये कि हमारे यहाँ बच्चे तो आए कबूतरों के, माशाल्लाह से बच्चे आ गए इनके दो, एक इनका रैबिट्स के। अब बस हमारे को जो इंतज़ार है ना दोस्तों, मुझे बहुत उत्साह है, एक इनके बेबीज का इंतज़ार है और एक इसके। तो यार हमजा इधर, तुमने इसका कुछ सोचा है, ये जो लाए भाई इसका क्या करना है? कल मैंने दिखाया था, कल तो तुम थे नहीं व्लॉग में इतना। हाँ क्या लगता है? मैंने तो ये बताया दोस्तों को कि ब्रूडर बनाने का फैसला कर रहे हैं उसको, और दोस्तों अभी भी हमारा यही है कि ब्रूडर ही बनाए इसको। ब्रूडर भी बन सकता है, पिंजरा भी बन सकता है, ये बहुत चीज़ें बन सकती हैं इसकी। ब्रूडर वो भी चूजों के हवाले से हो जाएगा ना। तो यार दोस्तों देखिए हम जल्द इसको ब्रूडर में तब्दील कर देंगे, क्योंकि ब्रूडर एक तरीके से होता ही क्या है, उसके अंदर सिर्फ आपको ना ऐसी जगह जहाँ पे चूजों को ना हीटअप के लिए दो बल्ब लगा के उनके लिए पूरा वो बन जाए कि उसके अंदर ना उनको हीटअप मिलती रहे, ताकि वो सही से सुकून से अपनी ग्रोथ कर सकें और ठंड से बचे रहें, बस इतनी सी बात होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता कोई काम। यार हमदा इधर आओ एक चीज़ दिखाऊँ, उसको छोड़ दो एक मिनट खाता रहेगा ज़रा, वो देखो वो दिख रहा है ऊपर तुम्हारे को कौवा बैठा हुआ, वो रहा ये हमारा मेहमान बन गया सेटअप का, तो इसके लिए मैं ले जा रहा हूँ, अभी देखना है लेने कैसे आएगा। हटो भाई थोड़ी सी गीली करूँ, अब देखते हैं दोस्तों ये लेने आता है या नहीं, कल तो हमसे बहुत सारी रोटियां लेके गया, अभी देखते जाओ ये देखना ये आएगा नीचे। आ जाओ मामू यार दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा जो हम लोग अपना नया सरप्राइज लेकर आए थे आप लोगों के लिए, काले कलर का मुर्गा, असील मुर्गा जो माशाल्लाह से बहुत प्यारी चीज़ है, और जो जो शौकीन है भाई वो लाजमी कमेंट में बताएं कि वो कौन सी नस्ल है उसको देख के। बाकी हमारे पास तीन काले हो गए दोस्तों, एक ये छोटा, एक ये और एक जो हम अभी लाए वो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल ग्रामीण चौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।